देखिए 20 नंबर कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स ज्वाइनिंग द फोकाई ऑफ एन इलिप्स टू एन एक्सट्रीमिटी यानी छोर ऑफ ए माइनर एक्सिस इज 90 डिग्री। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो दीर्घवृत्त है, ठीक, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, उसका जो नाभि है, नाभि को अगर मैं ए माइनर एक्सिस के एक छोर के साथ मैं ज्वाइनिंग कर दूंगा तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो हमारा एलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, देखिए क्या होगा। देखिए एक मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक, यह हमारा दीर्घवृत्त हो गया, यह हमारा मेजर एक्सिस हो गया, ठीक, मेजर एक्सिस, यह हमारा हो गया माइनर एक्सिस, और यह जो फोकस हो गया इसको एस मान लेते हैं, इसको एस डी एस मान लेता हूँ, ठीक। यह हमारा कितना, देखिए यह मूल बिंदु ओरिजिन है, ओरिजिन है, ठीक। उसके बाद देखिए अगर मैं ओरिजिन से अगर ऊपर वाई की तरह जाऊंगा, कितना डिस्टेंस 0.b होता है, इसका डिस्टेंस होता है ना बी, यह कितना होता है 1.0 होता है, और यह कितना होता है -1.0, यह कितना होता है 0.-b होता है ना 0.-b। अब देखिए कर अब मैं अगर नाभिक से, ठीक, नाभिक से अगर मैं लघु अक्ष के एक छोर को मैं मिला दूंगा, जो रेखा ज्वाइनिंग करना मतलब मिलाने पर जो रेखा बन रही है उसके बीच में क्या है 90 डिग्री कौन बन रहा है कि नहीं 90 डिग्री का, देखिए 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो हमारा मतलब इसेंट्रिसिटी क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है, यही, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं, देखिए बी हो गया या ओ हो गया और एस हो गया, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में लंब और आधार क्या है, बराबर ही है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, 45 का दो कोण बराबर है, इसलिए दो को भुजा भी बराबर होगा, ठीक। तो देखिए चूँकि ओ बी या ओ है या ओ से बी बराबर, देखिए यह भुजा और यह भुजा क्या बराबर है, तो ओ बी बराबर है किसके, ओ एस का है, तो ओ बी देखिए ओ से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ऊपर गए हैं, बी डिस्टेंस, तो हमारा स्मॉल बी हो गया। देखिए यहाँ तक, सॉरी छोड़ दिया मेरे, यहाँ पर ए ई को मैं जीरो होगा फोकस, इधर कितना होगा -ae.0 होगा ना फोकस, तो देखिए ओ से मैं कितना डिस्टेंस गया एक ही और ए ई डिस्टेंस गया फोकस तक, तो हमारा ए ई हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा ए ई, तो देखिए बी मालूम चला गया। उसके बाद देखिए अगर एसेंट्रिसिटी क्या होगा, चूँकि देखिए ए इस बात, देखिए जो मेजर एक्सिस से हमारा ए है और जो माइनर एक्सिस से हमारा बी है, तो ए बड़ा दिख रहा है, तो ए जब बड़ा हो बी से तो क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1-e² होता है, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1-e², देखिए बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर होगा तो कितना होगा ए स्क्वायर इंटू कितना जगह यही के होल स्क्वायर जगह, देखिए बी बराबर कितना है यही है, अगर मैं बी का स्क्वायर करूँगा तो इसके भी तो स्क्वायर होगा, तो कितना जगह यही का स्क्वायर जगह बराबर ए स्क्वायर माइनस यही का होल स्क्वायर मैंने यही का स्क्वायर है, ये कितना जगह देखिए इधर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्यों उस तरफ लिख लूँ का लिख दिया का आसान होगा, देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा, देखिए स्क्वायर से एक स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ई स्क्वायर बराबर 1 होगा कि नहीं, जरूर होगा, देखिए अब ई स्क्वायर बराबर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा, तो ई हमारा कितना निकल जाएगा 1/√2 ई का मान 1/√2 यही हमारा आंसर हो गया, एलिप्स का एसेंट्रिसिटी का मान निकल गया, तो जो 20 का ऑप्शन नंबर होगा क्या 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ये 21 नंबर है, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग वर्टेक्स एट +-5.0 एंड फोकाई एट +-4.0। देखिए जो इलिप्स का इक्वेशन निकालना है और हमें क्या क्या दिया है, वर्टेक्स यानी शीर्ष दिया है कितना +-5.0 और उसका फोकस कितना दिया है +-4.0। देखिए मेन चीज़ में क्या था फोकस ही होता है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए, देखिए एक
देखिए कितना है फोकस, कितना है प्लस माइनस 4.0, यहाँ पर एक्स कितना है 4 है, वाई कितना है 0। तो हम मालूम चल गया फोकस से ही इसका एक्स जो 4 है वो क्या है, एक्स जब 4 है तो उसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। ये एक इलिप्स हो गया, ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया। ठीक, देखिए कितना दिया है फोकस, प्लस माइनस 4.0, तो इधर एस मान लेता हूँ, एस कितना है 4.0। ठीक, और इधर है एस डैश, तो कितना है माइनस 4.0 होगा। ठीक, अब देखिए उसका वर्टेक्स इधर कितना होता है 1.0 होता है, और इधर कितना होता है माइनस 1.0 होता है। तो देखिए प्लस प्लस माइनस 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, हो गया। ठीक, दिया गया है इतना इतना आपको दिया गया, तब कर इक्वेशन क्या होगा इलिप्स का। देखिए इलिप्स का इक्वेशन को होने के लिए देखिए यहाँ पर जो हमारा ओ क्या हो गया, वो हमारा मूल बिंदु ओरिजिन है। देखिए जो ओ है वो एस डैश और एस का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू होता है, और वाई क्या होता है, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू होता है। देखिए माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 0 बाई टू 0, इधर 0 प्लस 0 बाई टू कितना होगा 0 बाई टू 0। ठीक, तो देखिए अब क्या है, हमें जब फोकस कितना जाएगा, इधर ए को मैं 0 होता है, ये फोकस कितना दिया है, फोकस फोकस कितना दिया है, इसको फोकस एस मान लेता है, एस एस बराबर कितना दिया है 4.0, कोई एक ले लूँगा फोकस, क्योंकि फोकस क्या होता है हमारा है ए को मैं 0 होता है, होता है कि नहीं, इधर ए को मैं 0 होगा तो ए से क्या करूँगा कंपेयर कर लूँगा, तो ए कितना हो जाएगा 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। ये मत लिखेगा, मैं समझा रहा हूँ, ए को मैं 0 होता है तो ए कितना के बराबर है, 4 के बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो ए है ए कितना दिया है 5, क्यों, क्योंकि इधर होगा ए 1.0 होता है और इधर कितना होता है माइनस 1.0 होता है, तो ए किसके बराबर है 5 के बराबर, तो ए किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक, तो देखिए जब ए बराबर 4 है, ए बराबर 5 है, तो क्या ई निकल जाएगा हमसे, ई बराबर क्या हो जाएगा ई, तो 4 बाई ए होगा 4 बाई ए हो जाएगा, तब 4 अब बाई ए होगा, तो बाई ए कितना है 5 है, तो ई का मान कितना हो गया 4/5। देखिए एक मालूम कितना है, ए बराबर कितना है 5, तो इसलिए ए स्क्वायर कितना जगह 25 के बराबर होगा, हो कि नहीं होगा। देखिए ए स्क्वायर मालूम है, ई मालूम है, तो हमें क्या मालूम करना है बी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर। देखिए तो ए क्या है इसमें, ए हमसे बड़ा है, बी से बड़ा है कि नहीं, ए यानी मेजर एक्सिस बड़ा है, चूँकि ए बड़ा है बी से है, तो इसीलिए बी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो देखिए बी स्क्वायर ही निकलना है हमें, तो ई स्क्वायर कितना है 25 के बराबर इंटू 1 माइनस ई, देखिए ई कितना है 4/5 है, लेकिन 4/5 है तो ई स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर भी करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 16/25 होगा, हुआ कि नहीं। अब देखिए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 इंटू 25 में 16 गया 9, 25 होता है बाई 25। अब देखिए कुछ ऐसा निकल के आया बी स्क्वायर बराबर 25 इंटू 9/25, ये तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 9। देखिए बी स्क्वायर बराबर 9 हो गया और ए स्क्वायर बराबर कितना है 25, तो क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मालूम चल गया, तो क्या इलिप्स का हमका समीकरण निकल जाएगा। देखिए चूँकि इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं, होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो हो गया, ए स्क्वायर कितने किसके बराबर है ए स्क्वायर 25 का, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर है 9 का बराबर 1, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो है आंसर सही है, लेकिन आगे किताब में क्या किया है, किताब में क्या किया है कि 25 से 225 यानी 225 से क्या किया, दोनों तरफ गुना कर दिया है, दोनों तरफ 225 से गुना
करने पर इसी गुना कर दिया 225 से। देखिए तो एक्स स्क्वायर बटा 25 इंटू 225 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 225 बराबर 1 इंटू 225 होगा। तो 25 625 होता ना। देखिए 25 नवा 225, ये कितना हो जाएगा 25 नवा 225, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 225, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा 21 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, वो हमारा सही है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर का है। द फोकाई ऑफ द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 36 आर। देखिए ये जो इलिप्स का समीकरण दिया हुआ है ठीक, और उसका रहा है उसका फोकस क्या होगा, सोल्यूशन लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया कितना है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36 ठीक दिया है। तो हम जानते हैं कि जो इलिप्स का समीकरण होता है किस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, होता है कि नहीं, इस रूप में हमारा इक्वेशन होता है इलिप्स का, होता है। देखिए इधर 1 है तो 1 लाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसमें 36 से भाग करूँगा तो 36 बाई 36 1 हो जाएगा। देखिए 9x स्क्वायर बटा 36 से मैं क्या करूँगा भाग करूँगा, इसमें क्या 4y स्क्वायर बटा 36 से भाग करूँगा, अब उसके बराबर कितना है 36, तो फिर 36 से भाग करूँगा या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद 4 नवा 36, ये कितना हो जाएगा 9 4 36, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 दिया है। देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस में वाई स्क्वायर बाई 9 दिया है, तो आप देख रहे हैं जो इसमें ए स्क्वायर किसके बराबर है 4 का, अब बी स्क्वायर किसके बराबर है 9 का है, इससे इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा 9 बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 3 होगा 3 होगा। तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो ए छोटा है किससे, बी से, इसमें बड़ क्या है हमारे बी बड़ है, कि क्या है बी है ए से बड़ा। देखिए ए कितना है 2 और बी कितना है 3, इसमें बी क्या है बी बड़ है किससे, ए से, बी बड़ बी है बड़ ए से ठीक। तो जो बड़ होता है तो हम मालूम है कि मतलब जो भी बड़ होता है वो हमारा क्या होता है मेजर एक्सिस होता है, इसमें मेजर एक्सिस क्या है बी, मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी होती है बड़ होती है किससे माइनर एक्सिस से। तो देखिए बी कितना है 3 है, ए कितना है 2 है, इसमें क्या है बी बड़ा है ए से ठीक, तो बी है बड़ा ए से तो क्या होगा इसका फोकस क्या होगा ना। देखिए जब बी बड़ा हो तो कुछ इस तरफ इलिप्स बनेगा आपका, देखिए ये जो हो गया हमारा मेजर एक्सिस हो गया, यह क्या हो गया हमारा माइनर एक्सिस हो गया ठीक, यह कितना हो जाएगा ए कोमा जीरो होगा, यह कितना हो जाएगा जीरो कोमा बी होगा, यह कितना होगा जीरो कोमा माइनस बी होगा और यह कितना होगा माइनस ए कोमा जीरो होगा ठीक। देखिए बी बड़ है तो बी तो बड़ हो गया मेजर एक्सिस हो गया, यह क्या हो गया हमारा माइनर एक्सिस हो गया। तब देखिए पूछ रहेगा फोकस क्या होगा, फोकस हमारा किसे बनेगा वाई एक्सिस पर, ये फोकस बनेगा तो कितना होता है जीरो कोमा बी ई, देखिए इधर इधर आऊँ जीरो कोमा कितना होता है बी ई होता है ऊपर, और जो इधर फोकस बनेगा वो कितना होता है जीरो कोमा माइनस बी ई होता है ठीक। तो देखिए हमें ए मालूम है बी मालूम है ठीक, तो हमको ई निकालना है। देखिए चूँकि जो फोकस होगा वो क्या होगा प्लस माइनस बी ई होगा, होगा कि नहीं प्लस माइनस बी ई होगा, देखिए बी मालूम है ई मालूम है ई मालूम है तो ई निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर कितना था हमारा ए स्क्वायर किसके बराबर था 4 का और बी किसके बराबर था बी स्क्वायर के बराबर, देखिए बी स्क्वायर किसके बराबर था 9 का। तो देखिए चूँकि जब ए लेस हो किस बी यानी बी बड़ा है तो बी बड़ा है तो क्या होता है, तब होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए तो अब क्या करेंगे ए स्क्वायर कितने के बराबर है 4 का, तो 4 हो गया, बी स्क्वायर किसके बराबर है 9 का और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर,
चूंकि हम वन माइनस ई स्क्वायर पर बराबर दूंगा तो कितना होगा, 4/9 होगा, इसलिए ई स्क्वायर पर नहीं अभी इसलिए अभी नहीं ई स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 1-4/9 होगा कि नहीं। अब क्या करूँगा, ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5/9 होगा कि नहीं, 5/9 होगा। अब देखिए, अब ई पर बराबर दूंगा तो कितना जाएगा, जाकर रूट बन जाएगा उधर, तो कितना, 5/9 होगा। तो ई बराबर किसके बराबर आया, √5/3, क्यों, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए, इसलिए फोकस कितना जाएगा, 0+ -b था, तो 0+ -b किसके बराबर, देखिए b किसके बराबर, b 3 के बराबर, तो 3 × e किसके बराबर है, √5/3 के बराबर है, तो ये कट गया, तो कितना, 0+ -√5 आएगा। तो हम क्या, देखिए इधर लिख दे रहा हूँ, तो फोकस कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 0+ -0 कितना हो जाएगा, √5। यही हमारा फोकस हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो फोकस पूछ रहा था, फोकस कितना होगा, तो हम निकाल लिए फोकस इतना होता है। जो 22 का ऑप्शन नंबर है वो क्या होगा, रुकिए देख बताता हूँ ऑप्शन नंबर सही कौन है। हाँ, 22 का बी नंबर सही है, 0+ -√5। देखिए यह 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए सर्कल इज ड्रॉ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स 9x² + 16y² इज इक्वल 144 एज डायमीटर। कह रहा है देखिए, जो एलिप्स का समीकरण दिया है, ठीक इतने दिया है, अगर मैं जो एलिप्स का दीर्घ अक्ष है, यानी मेजर एक्सिस, जो दीर्घ अक्ष है मेजर एक्सिस को ही मैं अगर मैं डायमीटर मान लिया किसका, सर्कल का, तो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझ आ रहा है, देखिए यदि जो एलिप्स का समीकरण दिया है किसका, एलिप्स का, तो एलिप्स का जो हमारा मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस को ही मैं अगर सर्कल का डायमीटर यानी व्यास मान लेता हूँ तो हमारा सर्कल का मतलब वृत्त का समीकरण क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक मैं इलिप्स बना रहा हूँ, यह एक इलिप्स हो गया। देखिए जो यह क्या है, इलिप्स का दीर्घ अक्ष है, क्या है, दीर्घ अक्ष यही है। देखिए इधर लिख रहा हूँ मेजर एक्सिस, यह कितना मेजर एक्सिस हो गया, ये जो है हमारा माइनर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस, ठीक। तो देखिए दिया कितना, इलिप्स का जो इक्वेशन दिया है वो पहले लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया है 9x² + 16y² और 144। चूँकि हम जानते हैं कि जो इलिप्स का समीकरण होता है किसके रूप में होता है, x² + a² + y² + b² = 1 के बराबर होता है। तो देखिए अब इधर 1 आने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 144 से भाग करने पर, ठीक, भाग करने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1² / 16 हो जाएगा, 16 × 144 प्लस इधर कितना हो जाएगा, 2² / 9 हो जाएगा, ये कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या मालूम चला, इससे मालूम ये चला कि जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 16 का, और बी स्क्वायर है जो किससे बराबर है, किसके बराबर है, 9 का, इतना बराबर है, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं इसी को जो दीर्घ अक्ष है इसी को मैं अगर किसका वृत्त का व्यास मान लेता हूँ, लेकिन वृत्त मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा वृत्त होगा ठीक, होगा ना, ये इसी वृत्त का व्यास है, तो ये मान के एक वृत्त हो गया इस तरह कुछ। तो देखिए अब यह जो है, यह चूँकि देखिए अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, 16 का, तो ए किसके बराबर होगा, 4 का, हुआ कि नहीं। देखिए अब जो है ओ है हमारा ओरिजिन है, देखिए ए कितना है, 4, यानी यहाँ से यहाँ तक इधर के 1,0 होता है, 1,0, तो ए किसके बराबर है, 4 का, तो 4,0। देखिए ओ से यहाँ तक मैं
कितने डिस्टेंस पर आया? 4 डिस्टेंस यानी 4 डिस्टेंस, 4 की दूरी पर मैं गया यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 4, यानी कितना है? एक को मैं 0 होता है तो 1 किसके बराबर है? 4 के, इसलिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4 के बराबर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो व्यास हुआ, तो फिर ओ से तक, ओ से लेकर यहाँ तक यानी ए तक, इसको ए मान लेता हूँ, इसको ए पॉइंट और इसको ए डैश पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक। तो देखिए ये ए कितना है? 4.0 है, तो ये 4.0 होता है, इधर कितना होता है? 1.0 होता है कि नहीं? इधर कितना होता है? -1.0 होता है। तो देखिए ए किसके बराबर है? 4 का। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? 4। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक ए, देखिए ए से तो ए से लेकर ए ना सॉरी ए से ए डैश तक की दूरी कितनी है? मालूम नहीं है, देखिए मालूम पता चल जाएगा। ए से ए डैश तक की दूरी का हम क्या कहेंगे? ब्यास, ब्यास ही में दिया है, ब्यास है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस किसके बराबर है? 4 का। रेडियस किसके बराबर है? 4 का। तो अब देखिए अगर मैं इधर इधर कोई पॉइंट मिल लेता हूँ, किधर? सर्कल पर, सर्कल पर क्या इस सर्कल इससे इधर दीर्घवृत्त हो गया, सर्कल माने के यहाँ पर हो गया, सर्कल एक पॉइंट है पी, जो मूविंग पॉइंट है वो घूम रहा है, इसको एक्स कमा वाई मान लेता हूँ, कितना? एक्स कमा वाई। तो देखिए अब क्या होगा, क्या होगा? रुकिए एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ पर मतलब इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए हम जान रहे हैं अगर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से है, मतलब कितना सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ से किसी भी वृत्त के परिधि पर मैं अगर पॉइंट लेकर ड्रॉ करूँगा कोई लाइन, तो क्या होगा? वो रेडियस ही होगा। तो रेडियस तो जानते हैं कि सब बराबर होता है वृत्त का। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर जाएगा? ये जब यह 4 है तो भी तो रेडियस है, तो ये किसके बराबर जाएगा? 4 का। इधर पॉइंट कितना माना हूँ? एक्स कमा वाई। अब मूल बिंदु कितना है? 0.0। तो चूँकि हम जानते हैं वृत्त का समीकरण निकालने के लिए क्या मालूम चला है, हमको सेंटर मालूम चलना चाहिए। तो सेंटर कितना है? 0.0 है। एक मूविंग पॉइंट जो पी होता है उसको मालूम चलना चाहिए कितना है, तो वह कितना है? एक्स कमा वाई। और जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो ए दिया है, ए किसके बराबर है? 4 का। इतना हमको मालूम रहना चाहिए क्या वृत्त का समीकरण निकालने के लिए। तो मूल बिंदु कितना है? 0.0। और देखिए पी मूविंग पॉइंट कितना है? एक्स कमा वाई। और जो यहाँ से यहाँ तक ए था 4, तो ये क्या त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई एक लाइन में ड्रॉ करूँगा तो ये भी तो रेडियस ही होगा उसका, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो देखिए जो रेडियस 4 होगा तो क्या होगा समीकरण निकालने के, इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा, क्योंकि हम ये भी हम जानते हैं जब पॉइंट दिया होगा 0.0 तो क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितने किसके बराबर होता है? ए के स्क्वायर के बराबर होता है, होता है कि नहीं? जो हम सर्कल आप पढ़े होंगे, सर्कल एक चैप्टर है वो पढ़े होंगे, तो कितना इतना जो सर्कल का इक्वेशन होता है इतना होता है। देखिए एक्स माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा जो है वो हमारा क्या है? सेंटर है यानी ओ, तो वो कितना है? 0। तो एक्स एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा कितना है? 0। तो इसका भी 0 का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए ए कितना है? 4 था, कितना था? 4। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, जो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पी इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, इतना जो देखिए जो इलिप्स का इक्वेशन दिया है, इलिप्स का जो इक्वेशन दिया है उस पर एक पी पॉइंट है कोई पॉइंट, ठीक। इलिप्स का जो समीकरण है उस पर एक कोई पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? पी है, हो जिसका फोकस आर एस एंड एस डैश है। उस इलिप्स का जो फोकस दिया है एस ओवर एस डैश है, तब हमारा एस पी और एस डैश पी इक्वल किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा? चूँकि हम जानते हैं एक हमारा यह द्विवृत्त हो गया, ठीक, यह हमारा
एस हो गया या हमारा एस डी एस हो गया। एक मूविंग पॉइंट में यहाँ पर कोई पी ले लेता हूँ, पी को एक एनी पॉइंट है एक्स कमा वाई। ठीक, देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक या एस था या एस डी एस हो गया अभी यहाँ। ठीक है, देखिए यही था पी एस और पी एस डी एस, पी एस और पी एस डी एस वही है, एस पी आई एस डी एस भी वही है। जो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं जो ज्वाइन करूँगा तो किसके बराबर होता है, टू ए के बराबर होता है। किसके बराबर, टू ए के बराबर होगा। अब देखिए टू ए के बराबर टू द टू है, अब ए ए कैसे मालूम चलेगा, जो इक्वेशन दिया है उससे मालूम कर लेंगे हम। इक्वेशन कितना दिया है, 81x² प्लस, रुकिए एक मिनट, 144 था सॉरी, यहाँ पर 14, हाँ ठीक है 144 है, 144 वाई स्क्वायर बराबर 1944। अब मैं क्या करूँगा, 81x² बटा 1944 से भाग कर दूँगा, प्लस 144 वाई स्क्वायर बटा 1944 बराबर 1944 भागा 1944, यह तो 1 हो जाएगा, यह जो है वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यह देखिए, देखिए अगर मैं 12 से इसमें भाग करूँगा तो बराबर यह 144 होगा, और इसमें 12 से भाग करूँगा तो कितना होगा 162 होगा, कितना होगा, कितना होगा 162 होगा। अगर इसमें 2 से भाग करूँगा तो कितना होगा, यह 6 हाथ में कटेगा, ये कितना 2/16 एक 81 हाथ में कटेगा। अब देखिए 3 × 6 3 × 27 या कितना होगा 81। अब देखिए अब किस ग्रुप में आओ, अब एक्स स्क्वायर बटा 24 और प्लस 2y² बटा 27 बराबर कितना होगा 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो है बटा ए स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 2y², अब 2 को क्या करूँगा इधर नीचे खेद दूंगा तो किस रूप में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 24 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 27/2 होगा, होगा। अब ये किसके बराबर है 1 का है। अब देखिए, अब देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर है 24 का, और बी स्क्वायर किसके बराबर है 27/2 के बराबर है। तो देखिए हमको सिर्फ ए से मतलब है, किससे ए से, जो ए से मतलब है ए किसके बराबर होगा, अगर मैं एफ बराबर बराबर दूंगा एफ और तो क्या 24 का वर्गमूल निकलेगा, 24 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए ए बराबर 2×2 4, 4×2 8 2×4×8 8×3 24 हो गया। देखिए इसमें से क्या करूँगा, 2 बाहर निकालूँ तो कितना होगा √6 होगा, हुआ कि नहीं, तो ए बराबर किसके बराबर आया, बराबर आया √2×√6 आया ए, तो लिखेंगे इसलिए एस पी प्लस एस डी एस पी किसके बराबर था, 2 के बराबर आएगा, तो 2×a किसके बराबर था, 2×√6 तो ये किसके बराबर आएगा 2×4 √6 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो हमारा दिया है 24 का आंसर कितना हो जाएगा 24 का बी नंबर, बी सही है। ठीक।